अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी। चिकन तंदूरी के लिए हमने लिए है 1.5 किलो चिकन, ऐसे पीस करके हमने लिए है और इसको हमने अच्छे से धो लिए है और इसका छलनी में रख के इसको थोड़ी देर हमने पानी निकाल लिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक, इतना हमने नमक लिए है। और आज हम चिकन तंदूरी घर के मसाले से बनाएंगे अपने। और ये हमने नींबू लिए एक, और इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच। और इसके अंदर हम इतना दही ऐड करेंगे, ये डब्बी का अमूल की। और इसके अंदर हम मिर्ची ऐड करेंगे 2 चम्मच। ये 2 चम्मच हमने मिर्ची का पाउडर यूज़ करे हैं और ये धनिया बुकी भी हम 2 चम्मच यूज़ करेंगे। हल्दी पाउडर भी हम 1/2 चम्मच यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच यूज़ करेंगे। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और इसके अंदर हम तंदूरी कलर ऐड करेंगे। इतना हमने तंदूरी कलर लिए हैं इसके अंदर। आज हम घर के मसाले से ही चिकन तंदूरी बनाएंगे। मैंने पूरा घर का मसाला ऐड करी हूँ इसके अंदर और इसको मसाला लगाकर हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट या 1/2 घंटा भी आप रख सकते हो। तो मेरा मसाला माशाल्लाह कितना अच्छे से लगा है। हमने मसाला इसमें पूरी अच्छी तरह से लगा लिए ले है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट भी आप रख सकते हैं, 1/2 घंटा भी रख सकते हैं। थोड़ा रखेंगे तो ये चिकन में मसाला अच्छा लग जाता है। फिर इसके बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। हमने चिकन मसाला लगा के रखे थे फ्रिज में। देखो हमारी चिकन माशाल्लाह मसाला लगा के हो गई अच्छे से और हमने तेल भी गरम रखे हैं। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से देखो मसाला लगेला है मेरा चिकन को। तेल भी हमने एकदम ज़्यादा भर के नहीं लिए ले है, इतना ही तेल लिए। इसके अंदर हम पूरी चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारी ऐसी फ्राई हुई है, अभी हम इसको अच्छे से पलटाएंगे। देखो ये हमारी चिकन माशाल्लाह ऐसी हो गई है। ऐसा करके हम सब चिकन पूरी पलटाएंगे। एक तरफ से हो गई है, अब ये दूसरी तरफ से बाकी है और ये कितनी मिनट में होएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो चिकन मेरी माशाल्लाह ऐसी तले गई है। इतनी चिकन हमने 35 मिनट में फ्राई करे। पहले है ना 5-10 मिनट थोड़ा फास्ट पे रख के फिर सिलो पे रखना, तो 35 मिनट में इतनी चिकन फ्राई हो जाती है। अब इसको हम थोड़ा कोयले का बघार देंगे और ये हमने घर के मसाले से ही चिकन फ्राई करे। देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी मेरी चिकन फ्राई हो गई है। देखो मेरी चिकन माशाल्लाह हो गई है। अब इसको मैं कोयले से थोड़ा बघारूंगी। इसको हम थोड़ा कोयले से बघार देने का। ये देखो माशाल्लाह इसको हम थोड़ा ऐसा रखेंगे 5 मिनट के लिए बस।